हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं दीप आज बना रही हूँ मैं पपीता का सब्जी। अधिकतर बच्चे पपीता खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अगर आप इस ढंग से बनाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। यहाँ मैं ली हूँ हाफ के जी पपीता, अदरक, लहसुन, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज और 2 मिर्च। और पपीता को मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया है, और मैं प्याज को भी इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट ली हूँ, और टमाटर भी काट ली हूँ, और अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है। और यहाँ मेरा कुकर गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूँगी 2-3 चम्मच सरसों का तेल। और तेल जब गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 स्पून राई, 1/2 स्पून जीरा, और ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें मैं डालूँगी प्याज और मिर्च, इनको मैं भून लूंगी 1 मिनट तक। और प्याज हल्का ब्राउन होने पे मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन जो मैंने कूट के रखा था, और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला के मैं 1 मिनट तक भून लूंगी। और इस तरह से इसे भून लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 स्पून, और इन्हें अच्छी तरह से मैं मिला लूंगी। और यहाँ मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, मसाले पानी डालूंगी कि मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। और इसे मैं मिला लूंगी, और स्वादानुसार नमक। फिर मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 स्पून में डाली हूँ, उससे सब्जी का कलर बहुत ही सुंदर दिखेगा। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। तरह से मिला के अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर को भी अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें पड़ेगा ये हमारा पपीता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पपीता इनको मिला के मैं अच्छी तरह से इन्हें मिला ली हूँ, और इसे मैं ढक ढक के 1-2 मिनट तक पका लूँगी इस तरह से। 2 मिनट हो चुका है, फिर मैं इसे मिला लेती हूँ और फिर ढक दूँगी मैं इसे, थोड़ा और भून जाइए इस तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 ग्लास वाटर, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 ग्लास ही डाली हूँ मैं, थोड़ा सा और डालूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिला के अब मैं कुकर को बंद करूंगी, और इसे मीडियम फ्लेम पे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर दी, और हमारा कुकर जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे खोलूंगी। कुकर ठंडा हो चुका है, देखिए हमारा पपीता का सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा इस तरह से चला के अच्छी तरह से मिला लेंगे ग्रेवी में, और अब मैं इसे कटोरे में निकाल लूंगी। देखिए हमारा पपीता का सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा धनिया पाउडर डालूंगी, धनिया पत्ता, सॉरी धनिया पत्ता डालूंगी। और ये हमारा पपीता का सब्जी बिल्कुल तैयार है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।